पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बृहस्पतिवार के व्रत किस प्रकार रखे जाते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत करने की पूर्ण विधि क्या है। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्रवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं, शुक्रवार के व्रत किस देवी या देवता के निमित्त रखे जाते हैं और शुक्रवार के व्रत रखने की विधि क्या है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुजनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। आज बात कर रहे हैं शुक्रवार के दिन की। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी दिन पवित्र माने जाते हैं, चाहे हफ्ते का वह कोई भी दिन हो, और हर एक दिन अलग अलग देवी देवता के निमित्त है। शुक्रवार का जो दिन होता है वह दिन देवी संतोषी माता और माता वैभव लक्ष्मी के निमित्त होता है। अगर आप शुक्रवार के व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो उसके लिए क्या विधि है, वह मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूर्ण देखिएगा। बात कर रहे हैं शुक्रवार के व्रत के बारे में। शुक्रवार का व्रत मुख्यतः देवी संतोषी माता और मैया लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है। माता वैभव लक्ष्मी वैभव और धन धान्य को बढ़ाने वाली है, और वहीं पर संतोषी माता सुख शांति और समृद्धि को देने वाली है। इसलिए अगर आप संतोषी माता या वैभव लक्ष्मी माता का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो पहले आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि व्रत किस प्रकार करते हैं, उसमें प्रसाद क्या बनता है, व्रत कितने रखे जाते हैं और कौन से दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किस प्रकार किया जाता है। प्रिय बंधुजनों, संतोषी माता का व्रत करने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का दिन आप चुनाव कर सकते हैं। पहले शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के पश्चात सारे घर में गंगा जल छिड़क दें, और उसके बाद आपने जो है पूर्व की दिशा में संतोषी माता की फोटो या कोई चित्र रख लेना है। उसके बाद वहाँ पर आपने घी का एक दीपक तैयार कर लेना है और पूजा का सारा सामान आपने वहाँ पर माता की फोटो के आसपास रख देना है। आपने एक लोटे में जल भर लेना है, और जल भरने के बाद उस लोटे के ऊपर एक पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद उस लोटे के ऊपर रख दें। अब इसके बाद विधिवत रूप से संतोषी माता का पूजन करें। जो भी सामान आपके पास है पूजा का, वो संतोषी माता को चढ़ाएं। पूजन के सामान में मैं आपको बता देता हूँ, रोली मोली तिलक चावल पुष्प और फल या दक्षिणा जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, इन सभी के साथ विधिवत रूप से संतोषी माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद आपने विधिवत रूप से संतोषी माता की आरती करनी है। आरती पूर्ण होने के बाद आपने जो गुड़ और चने का प्रसाद है वो सभी में वितरित कर देना है। अब बात करते हैं कि संतोषी माता के व्रत कितने होने चाहिए या कितने व्रत संतोषी माता के किए जा सकते हैं। संतोषी माता के निमित्त 16 शुक्रवार व्रत करने चाहिए, और 16वें दिन यानी कि 16वां शुक्रवार जो बनेगा उस दिन व्रत का उजमन कर देना चाहिए। उजमन वाले दिन आपने 8 बालिकाओं को भोजन कराना है। भोजन के पश्चात उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य जो भी कुछ आप उनको दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं उन 8 बालिकाओं को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से 8 बालिकाओं को भोजन दान दक्षिणा देने के पश्चात आप स्वयं भी भोजन कर अपने व्रत का उजमन कर सकती है। इस प्रकार से
यह हो गया आपका संतोषी माता के व्रत का उज्जमन। प्रिय बंधुजनों, संतोषी माता के व्रत जो भी करता है उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतोषी माता अपने भक्तों का कल्याण करने वाली होती हैं और जो भी पुरुष या स्त्री संतोषी माता के व्रत करता है उसे जीवन में कभी भी अनावश्यक रूप से परेशानियों का या किसी भी तरह के विवादों से वह बचा रहता है। संतोषी माता की कृपा उनके भक्तों के ऊपर बनी रहती है। अब बात करते हैं वैभव लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है वैभव लक्ष्मी, जिनके व्रत शुक्रवार को ही किए जाते हैं। वैभव लक्ष्मी माता वैभव को देने वाली होती हैं, परिवार में धन को देने वाली होती हैं, आपके व्यवसाय में धन की बढ़ोतरी करने वाली होती हैं। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आपको अनावश्यक रूप से धन संबंधित परेशानियां सदैव आती रहती हैं तो आप भी वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुक्रवार के दिन करना प्रारंभ करिए, धन संबंधित आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के पूजा विधि के बारे में कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने की पूजा विधि क्या होती है। प्रिय बंधुजनों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने घर पर किसी पवित्र स्थान पर बैठ करके वहां पर आपने लक्ष्मी माता का चित्र रख लेना है। चित्र के सामने आपने वहां पर जो फल और प्रसाद आप रखना चाहते हैं वो वहां पर रख लें। इसके साथ साथ सफ़ेद रंग के फूल और लाल रंग के फूल, इसके साथ साथ चंदन, लाल और सफ़ेद दोनों चंदन भी आपने रख लेने हैं। इस प्रकार से वहां पर ये सामान रखने के पश्चात आपने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। कुछ मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जाहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, धनम देहि यशो देहि, विद्या देहि द्विषो जाहि। इन मंत्रों का जाप आप करें वैभव लक्ष्मी माता के निमित्त, अगर आप उनकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रिय बंधुजनों, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कितने शुक्रवार करना चाहिए? देखिए, 11 शुक्रवार आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप अधिक करना चाहते हैं तो 11 से अधिक 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता के व्रत करिए। व्रत के पश्चात उज्जमन किस प्रकार से करना है? 21वां शुक्रवार जिस दिन होगा उस दिन आपने वैभव लक्ष्मी माता व्रत का उज्जमन करना है। उज्जमन करते समय क्या ध्यान रखना है? उज्जमन करते समय आपने जितने व्रत किए हैं, मान लीजिए आपने 11 शुक्रवार व्रत किए हैं तो 11 सुहागिन स्त्रियों को आपने अपने घर पर जिमाना है, अर्थात भोजन करवाना है। अगर आपने 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए हैं तो 21 सुहागिन औरतों को आपने अपने घर पर जिमाना है। कन्याएं इस व्रत में नहीं जिमानी है, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उन्हीं के द्वारा वैभव लक्ष्मी व्रत का उज्जमन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां जो आपके घर पर भोजन करने आएंगी, भोजन के उपरांत उन्हें श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदिया, जो भी साजो श्रृंगार का सामान होता है वो 21 सुहागिन महिलाओं में आपने वितरित कर देना है। इसके साथ एक एक प्रत्येक महिला को आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की जो पुस्तक है वह भी वितरित करनी है। इस प्रकार से 21 या 11 सुहागिन महिलाओं को भोजन, दान, दक्षिणा इत्यादि देने के बाद आपका वैभव लक्ष्मी माता का व्रत का उज्जमन हो जाता है। उसके पश्चात आप वहां पर माता रानी के आगे सर झुका करके उनको नमस्कार करने के पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकती हैं। यह आपका वैभव लक्ष्मी माता व्रत का उज्जमन हो जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने से इंसान को कभी भी अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वैभव लक्ष्मी माता परिवार में वैभव को देने वाली होती हैं, धन परेशानियों को दूर करने वाली होती हैं।
अगर आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते या करती हैं तो आपको माता वैभव लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है। इसलिए जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए वैभव लक्ष्मी माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत पूजा पाठ कैसे करें और वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पूजा पाठ उद्यापन कैसे करें। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने परिवारजनों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय बंधुजनों, अगर आपका शुक्रवार के व्रत से रिलेटेड अन्य किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप वह प्रश्न हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रिय बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नई जानकारी और किसी नए रोचक विषय के साथ। ज्योतिष जिज्ञासा से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, क्योंकि घंटी का निशान दबाने से आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो सबसे पहले मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। जय संतोषी माता। ओम वैभव लक्ष्मी माताए नमो नमः।